गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी नेक्स्ट जो है आपका नेशनल इनकम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके अंदर जो प्रीवियस वीडियो में आपको वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में बताया था, तो अब सेकंड वीडियो आपका है तो उसी से रिलेटेड, लेकिन इसके अंदर मेथड दूसरा है, वो प्रोडक्ट मेथड कहलाएगा। तो वो वैल्यू एडिशन मेथड था, प्रोडक्ट मेथड। इसके दोनों मेथड में से कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द आइटम्स और पर्टिकुलर्स गिवन टू यू। अगर सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन, इस तरह के आइटम अगर दे रखे हैं तो आप वैल्यू एडिशन यूज़ करेंगे। वो तो डिपेंड भी करता है कि एग्जामिनर आपसे किस तरह से मांगेगा, तो वो उसके ऊपर आप बताएंगे। ये दूसरा मेथड है जो तीनों सेक्टर्स को लेकर के है, तो आप देखिए इसके अंदर किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। नंबर वन, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि इकोनॉमी के तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो हम इसके अंदर पहले ये देखेंगे, आपकी बुक में एग्जैक्ट कहीं दिया गया है कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी सेक्टर। फिर इसी तरह से ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन सेकेंडरी सेक्टर, और इसी तरह से ग्रॉस वैल्यू एडिशन इन टर्शरी सेक्टर, कि तीनों सेक्टर्स के अंदर कितना कितना वैल्यू एडिशन किया गया ग्रोस एट मार्केट प्राइस। क्योंकि हम कितना प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना मुश्किल है, लेकिन उसकी मार्केट प्राइस से जितना वो बिका है उसको कैलकुलेट करना आसान है। मान लीजिए किसी फैक्ट्री के अंदर नेल्स बन रहे हैं, स्क्रूज बन रहे हैं, तो कितने स्क्रूज बने बड़ा मुश्किल है, लेकिन कितने रुपए के बने ये कैलकुलेट करना आसान है। तो इस तरह से हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों सेक्टर से लेकर के। तीनों का एडिशन जो है वो हमारा इक्वल आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, आपने भी बुक के अंदर देखा है कि नेशनल इनकम जो है वो NNPHFC इसके बराबर है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, नेशनल इनकम कहें या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों, नेशनल इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट की जाएगी, मार्केट प्राइस पर नहीं की जाएगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। उसकी वजह ये है कि जितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको लेते हैं, जो वही इनकम लेंगे जिसके पीछे वैल्यू एडिशन हुआ है। जिसके पीछे वैल्यू एडिशन नहीं हुआ वो इनकम हम कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मार्केट प्राइस को क्यों नहीं लेते, तो आप मान लीजिए क्योंकि मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूड है, और टैक्स जो है वो यूनिलेटरल पेमेंट्स है, एक पक्षीय भुगतान है। सरकार हमें टैक्स के बदले कुछ देगी ऐसा क्लेम नहीं करती, उसके पीछे कहीं कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, इसलिए जो टैक्स है वो कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए हमारे पास इन तीनों सेक्टर का टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि तीनों सेक्टर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हैं इसलिए डोमेस्टिक हुआ। अब हमें इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है, और नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें नेट चाहिए, नेशनल चाहिए और फैक्टर प्राइस पर चाहिए। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, ये ग्रॉस है हमें नेट चाहिए, ये डोमेस्टिक है हमें नेशनल चाहिए, और ये मार्केट प्राइस पे है हमें फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। अब हम देखते हैं कि आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स क्या होंगी। सबसे पहले हम इसको ग्रॉस से नेट पे लेके आएंगे। नेट पे लाने के लिए हमें पता है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। अगर हम डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, क्योंकि इतना प्रोडक्शन करने के लिए देश के अंदर बहुत सारी कैपिटल गुड्स का प्रयोग हुआ है। कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो महंगी होती हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर रिपीटेडली कई साल तक यूज़ आती हैं, तो वो मशीनें बहुत सारी यूज़ हुई हैं, उनका डेप्रिसिएशन, क्योंकि मार्केट में जब सामान बेचा गया तो उनका डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड था, हमने उसको लेस कर दिया है, नेट आ गया है। डेप्रिसिएशन के बाद अब हमें इसको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर लेके आना है। मार्केट प्राइस के अंदर हम पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय के ऊपर कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको NIT कहा जाता है। तो टैक्स ने वैल्यू को बढ़ा दिया था, सब्सिडी ने इसको कम कर दिया था, तो हम यहाँ पर इसमें NIT लेस कर देंगे।
NIT लेस कर दिया है। NIT लेस करने के बाद अब हमारे पास ये MP की जगह हम FC पर पहुंच चुके हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं अब हमारे पास NDP@MP है। इसके बाद ये लेस करने के बाद हमारे पास NDP@FC है। अब हमें इसको बनाना है नेशनल, यहाँ पर नेशनल लेके आना है, तो इसके अंदर प्लस कर देंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड क्या होती है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर इसके बारे में डिटेल से हम बात कर चुके हैं कि जो विदेशी लोग हमारे इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, यहाँ से कमा के लेके गए हैं, और हमारे लोग विदेशों से कमा के लेके आए हैं, उन दोनों का डिफरेंस नेट हो जाता है। तो नेट इसके अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा NNP@FC और देट इज़ इक्वल टू नेशनल इनकम। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारा नेशनल इनकम का है। आप इसको रिपीटेडली बार बार देखें, पहले भी मैंने वीडियो में कहा कि अगर आपको इसके अंदर अपनी एफिशिएंसी को बनाना है तो आपको बार बार सम्स को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अदरवाइज़ ये सम्स आपको बहुत मुश्किल लगेंगे। अगर तो वे क्या है, सबसे बेहतर वे जो है वो मैंने आपको समझा दिया है कि किस में से क्या ऐड करना है, कैसे निकालना है, कहाँ पर क्यों ऐड करना है, क्यों ऐड माइनस करना है, वो सारी चीज़ें मैंने इसको आपको बता दी है। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो मुझे पर्सनली कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।